कौन है मोहित पांडे जो बनेंगे अयोध्या राम मंदिर के पुजारी। 7 साल तक पढ़ाई की, फिर आगे की पढ़ाई के लिए तिरुपति बालाजी चले गए। जान लीजिए कौन आचार्य है जिन्होंने मोहित पांडे को दी शिक्षा। आचार्य की डिग्री लेने के बाद कर रहे हैं पीएचडी की तैयारी। रामलला की करेंगे पूजा आराधना। क्षेत्र में खुशियों का माहौल। अयोध्या में 500 साल के लंबे इंतजार के बाद भगवान रामलला का मंदिर अब बनकर तैयार है। भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। 26 जनवरी से 22 फरवरी तक देश के सभी राज्यों के लिए राम जन्मभूमि दर्शन की तिथि निश्चित की गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जैसे जैसे अयोध्या में राम मंदिर का अभिषेक करीब आ रहा है, ऐसे पोस्ट सामने आ रहे हैं कि गाजियाबाद का एक छात्र उन 50 लोगों में से शामिल है जिन्हें राम मंदिर में पुजारी के रूप में सेवा करने के लिए चुना गया है। पुजारी की भूमिका के लिए मोहित पांडे का चयन किया गया है। दुधेश्वर वेद विद्यापीठ में 7 साल की पढ़ाई के बाद मोहित पांडे आगे की पढ़ाई के लिए तिरुपति चले गए। नियुक्ति से पहले उन्हें अन्य पुजारियों के साथ 6 महीने के प्रशिक्षण में गुजरना होगा। संस्थान के आचार्य नित्यानंद ने कहा, छात्रों को धर्म और अनुष्ठानों पर ज्ञान प्रदान करना हमारा उद्देश्य है ताकि उन्हें अपने बेहतर भविष्य प्राप्त करने में मदद मिल सके। सामवेद में अपनी पढ़ाई के बाद मोहित पांडे ने वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। आचार्य की डिग्री हासिल करने के बाद मोहित पांडे पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं। मोहित ने पिछले 7 साल दुधेश्वर वेद विद्यापीठ के धर्म और रीति रिवाज का अध्ययन करने में बिताए हैं। पिछले 23 वर्ष से छात्र इस स्थान पर वैदिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार मोहित का चयन स्थानीय गौरव का विषय बन गया है। परिवार, दोस्त और बड़े पैमाने पर समुदाय इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का जश्न मना रहा है। गाजियाबाद की सामूहिक आशाएं और प्रार्थनाएं मोहित पांडे के साथ अयोध्या जाती हैं। यह आशा करते हुए कि वो अयोध्या राम मंदिर के पवित्र परिसर में सकारात्मक प्रभाव लाएंगे।